तो सैमसंग गैलेक्सी A24 सीरीज बहुत ही जल्द रिवील होने जा रहा है। इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, सैमसंग गैलेक्सी A24, सैमसंग गैलेक्सी A24 5G, गैलेक्सी A24e, और यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि गैलेक्सी A24s भी यहाँ पर रिवील कर दिया जाए। उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन जो डिस्प्ले उसके बारे में कुछ चीज़ें श्योर है। बताया जा रहा है कि स्मार्टफोन में एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत एक बड़ा जंप है, बहुत ही एक ह्यूज अपग्रेड है। 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 9 टीयर्स के हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। टू बी एनएस, अगर 9 टीयर्स रिफ्रेश रेट ना भी दिया जाए, एमोलेड होगा, तो आई थिंक मोर देन इनफ है। और ये जो रूमर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा स्वैग से फुल है। और गैलेक्सी की A20 सीरीज़ में, लाइक A21, 2 या 3 या 4 में अगर एमोलेड डिस्प्ले आता है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करेगी। गैलेक्सी A24 में एमोलेड डिस्प्ले, और वो भी 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ, बहुत ही शाइन शान होगा। और यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच ही आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि गैलेक्सी A32, A23 में भी ड्यू ड्रॉप नॉच है, तो यहाँ पर भी ड्यू ड्रॉप नॉच मिलेगा। ज़्यादा आपने पंच होल या फिर जो सेंटर पंच होल कैमरा है, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। गैलेक्सी A24 का जो प्रोसेसर है, वो थोड़ा सा अजीब किस्म का है, लाइक एक्जिनोस का प्रोसेसर बताया जा रहा है। एक्जिनोस 7904 का SoC है। अब मैं आपको बता दूँ, गैलेक्सी का ये जो एक्जिनोस का जो प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग का अपना प्रोसेसर है, ये स्नैपड्रैगन 600 के स्मार्ट प्रोसेसर है, उसका मुकाबला कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 665 या उससे थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है, तो परफॉर्मेंस वाइज तो ज़्यादा कमाल नहीं है। लेकिन मैं कुछ अगर यहाँ पर मैं और कहूँ, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर एक्सपेक्टेड है, वो यहाँ पर दिया जा सकता है। ये जो एक्जिनोस है, वो बहुत पुराना प्रोसेसर है, इसका मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। लेकिन एनीवेज, अगर G85 होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। सैमसंग वाइज मैं बात कर रहा हूँ, बाकी ब्रांड्स तो बहुत ही पहले 20,000 रुपये में हम ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। बाकी ये जो स्मार्टफोन होगा, वो 6GB की रैम और 64GB वाले वेरियंट और 6GB 128GB वाले वेरियंट में रिवील होने वाला होगा। EEMC 5.1 का स्टोर टाइप होगा, एंड्रॉइड 12 होगा, और इसके अलावा One UI 5 का यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेड है, लेकिन One UI 4 तो डेफिनेटली आएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज देखो, अगर G85 आते तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। सैमसंग की तरफ से G80 या G85 का यूज़ होना बहुत बड़ी बात होती है, और इसका हमें इंतज़ार ज़रूर रहेगा। रही बात कैमराज की, तो यहाँ पर ऑफकोर्स ये जो स्मार्टफोन होगा, वो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आएगा, जो कि सैमसंग का बहुत ही एक पॉजिटिव अकदाम है। और यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है, ऑफकोर्स जो IS है, वो वीडियोग्राफी में भी यूज़ होगा और फोटोग्राफी में भी यूज़ होगा। जो मेन कैमरा यहाँ पर बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू रूमर जो मेन कैमरा को, वो 48 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा, और जो दूसरा सेंसर है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा का, और एक यहाँ पर डेप्थ सेंसर होगा या मैक्रो सेंसर होगा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल, अगर हम कैमराज की बात करें, तो नो डाउट ये जो स्पेक्स है, ये कैमराज वाइज अच्छे हैं। और रही बात फ्रंट की, तो आप ड्यू ड्रॉप नॉच में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑफकोर्स जो स्मार्टफोन को, वो फुल एचडी प्लस पे रिकॉर्डिंग कर सकेगा, मैक्सिमम फ्रंट पर भी और रियर पर भी। तो देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली कैसे ऑप्टिमाइजेशन की जाती है। मीडियाटेक और एक्जिनोस का अलग अलग एक टोन होता है कैमरा वाइज, तो किस एंगल से ऑप्टिमाइज करते हैं, वो तो जब ये लॉन्च होगा, जब ये रिलीज़ होगा और इसके कैमरा सैंपल देखे जाएंगे, तभी बेहतर आइडिया लगा पाएंगे। रही बात प्राइस एंड अवेलेबिलिटी की, तो देखो, अभी स्मार्टफोन का यहाँ पर डिज़ाइन भी रिवील नहीं हुआ है, ये जो स्पेक्स है, ये रूमर्स है, लीक्स है। तो प्राइस का अगर इस स्पेक्स को हम देखें, तो ऑफकोर्स आजकल जो पाकिस्तानी मार्केट के हालात है, तो ये स्मार्टफोन 50,000 से ऊपर ही जाएगा। और रही बात लॉन्च डेट की, तो ये जो स्मार्टफोन है, ऑफकोर्स पाकिस्तान में अगर आ गया तो काफ़ी लेट आएगा। अभी इंटरनेशनल मार्केट में ये दिसंबर 1 में यहाँ पर रिवील हो सकता है, या फिर जनवरी में रिवील हो सकता है, उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है, 5000mAh बैटरी के साथ आता है, और ये जो स्मार्टफोन होगा, वो 25W की फास्ट चार्जिंग, 7 A टाइप सी कनेक्टिविटी, 3.5W जैक और डुअल स्टीरियो स्पीकर के बारे में कुछ रूमर्स आ रहे हैं। टू बी एनएस, मुझे ये स्मार्टफोन इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है, और ये थोड़ा सा बेहतर भी है, थोड़ा इम्प्रूव भी है कंपेरेटिवली गैलेक्सी A23 की। तो देखते हैं कि यहाँ पर ये जो रूमर्स, ये कितने सच निकल के सामने आते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।